तो दोस्तों आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं, जैसे आप अर्निंग के रिसोर्स बना सकते हो, और अर्निंग के रिसोर्स के साथ साथ अगर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब स्कैम भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रहा है। अगर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंसानों को थोड़ा इजी करता जा रहा है, और उसी तरीके से उनके स्कैमर्स के जो स्कैम हैं वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँ, अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हो या कोई भी ऑनलाइन टास्क अगर आप कर रहे हो और आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऑनलाइन आप कहीं अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद वहाँ से ईमेल आता है कि ठीक है आपकी जो प्रोफाइल आपने भेजी थी वो सुटेबल है मेरी कंपनी के लिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, लास्ट एक्सपीरियंस ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर अगर आपके पास वो हैं, अगर आपने जॉब करी है पास्ट में, तो वो चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं वहाँ पे। और फिर वो चीज़ें आप सोचते हो कि मैं उनको दूँ या ना दूँ, या कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं स्कैम तो नहीं है। तो दोस्तों उसमें मैं सिर्फ आपको दो ही चीज़ें बताऊंगा, कि पहला आप वो चीज़ चेक करो, क्या गूगल पे पढ़ो, लोगों से पूछो, और फिर आप उससे गूगल करो कि वो कंपनीज हैं, वो कंपनी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, कंपनी वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। और जैसे कि या तो फिर आप बड़ी बड़ी साइट्स पे काम करो, जैसे कि फ्रीलांस हो गया, अपवर्क हो गया, ऐसे जो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट होती है, अगर वहाँ पे हैं, वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए मांग रहे हैं तो आप फाइल सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके की साइट्स पे। लेकिन आप पर्टिकुलर या इंडिविजुअल आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो कि आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये नहीं करना है कि कोई कंपनी है आपसे बोलती कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी भी चाहिए ओरिजिनल, तो आपको ये नहीं करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप कोरियर कर दो उस कंपनी के एड्रेस पे, क्योंकि कंपनीज बोलती हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस वाले एड्रेस पे आप कोरियर कर दो, और आपने उठा के कोरियर कर दिए तो कोई भरोसा नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, या उन डॉक्यूमेंट्स के बिहेव पे आपको ब्लैकमेल करेंगे। कई रीजन्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप उनको ऑनलाइन स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, वॉट एवर दे हैव रिक्वायरमेंट, आप उस फॉर्मेट में उनको भेज सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उठा के भेज दो। और रही बात जब आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजते हो तो वहाँ पे स्कैम के इतने चांसेस नहीं होते। अगर किसी के पास आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो इतने इन डॉक्यूमेंट्स से सिर्फ आपके साथ वो स्कैन नहीं कर सकता जब तक आप अपने एंड से कुछ और एक्सेस नहीं दोगे। सपोज आपने आधार कार्ड भेजा, 4 दिन बाद आपके पास लिंक आया, ओटीपी आया, कुछ भी आया, आपने वो शेयर किया, उसके बाद ही वो स्कैम कर सकते हैं। मतलब कभी भी अगर किसी के साथ स्कैम होता है, जब हम ही लोग उसको किसी भी तरीके से, वट एवर, किसी भी तरीके का एक्सेस हो सकता है, जब हम लोग सामने वाले को एक्सेस देते हैं तभी वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाता है, तभी हम लोग को वो हैक कर पाते हैं, तभी हम लोग उस स्कैम में फंसते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, स्कैन आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम है, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।